हेलो लर्नर्स, तो पिछले पार्ट में हमने हमारा ये एडमिन लॉगिन पैनल बना के तैयार कर लिया था और इस पार्ट में हमने इस एडमिन लॉगिन पैनल से यूजर को लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कोडिंग जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम अपने कोडिंग सेक्शन में जाते हैं और देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में हमें यहाँ पे इस डिवीज़न ख़त्म होने के बाद यहाँ पे हम ना रिक्वायर वंस लिखेंगे, PHP लिखेंगे सबसे पहले और रिक्वायर वंस यहाँ पे रिक्वायर वंस और यहाँ पे हमने अपने फाइल को कॉपी कर ले, फूटर को कॉल कर लेना है, फूटर डॉट PHP। तो अब ये हमारा फाइल यहाँ पे काम करेगा। चलिए देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा फूटर सेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो इसे अब क्या करना है ना थोड़ा कि ये जो फूटर सेक्शन है ना हमारा यहाँ पे, इसे हमें क्लास ये कंटेनर के अंदर, ये जो है हमारा यहाँ पे हमने इसे एक कंटेनर के अंदर रखना है। ठीक है, और इस पूरे चीज़ को हमने यह भी क्लास क्लास देनी है, यह भी क्लास कंटेनर कंटेनर फ्लूड। फ्लूड क्या करेगा ना, ये मार्जिन नहीं लेता। ठीक है, क्लास कंटेनर फ्लूड और इस फूटर के बाद में हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है इस डिवीज़न को। तो डिवीज़न को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, देखिए इसके क्या इफेक्ट पड़ेगा ये, सॉरी लेट मी चेक व्हाट इज एरर। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमारा जो ये फूटर है जो पूरा पेज में आ रहा है, पूरा ये कवर कर रहा है। तो ये गड़बड़ी ये थी कि मैंने यहाँ पे इस बॉडी को क्लोज नहीं किया था, मीन्स ये कुछ इस तरह से थी पहले। अब मैंने इसे ठीक कर दिया, अभी हमारा फूटर सेक्शन अच्छे से काम कर रहा है। देखिए हमने फूटर बना लिया, हेडर बना लिया, अब ये एडमिन लॉगिन पैनल बना लिया। अब जल्दी से हम इसमें लॉगिन करवाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे ऊपर जहाँ पे PHP की कोडिंग करेंगे हम इस लॉगिन PHP में, यहाँ पे आएंगे और जस्ट इसके नीचे हेडर के बीच में तो हमने ना यहाँ पे चेक कर लेना है कि इफ ओके सबमिट, अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है, अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है तो हमें बाकी परफॉर्मेंस बाकी के ऑपरेशंस करनी है। लेकिन इसके पहले भी ना हमने यहाँ पे इसके नीचे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेने हैं। तो पहले मुझे ना यूज़र नेम और दूसरा है हमारा पासवर्ड, इन दोनों में हमें नल वैल्यू स्टोर करवानी है। और दूसरे में हमारे को लेना हमें लेना है यूज़र नेम एरर नाम का एक वेरिएबल, और उसके बाद यूज़र पासवर्ड एरर नाम का एक वेरिएबल लेना है, पासवर्ड और एक एरर नाम का वेरिएबल लेना है। ये सब क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, समय के साथ साथ आपको पता चलता जाएगा। तो अब चलिए सबमिट बटन पर अगर क्लिक हुआ है, इफ़ इसे पोस्ट सबमिट, सबमिट बटन पर अगर क्लिक हुआ है तो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें चेक करना है। ठीक है, तो क्या चेक करना है कि इफ एम्प्टी क्या एम्प्टी है हमारा पोस्ट यूज़र नेम, हमारा यूज़र नेम एम्प्टी है तो यूज़र नेम एरर जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, अब देखिए उसमें हमें क्या स्टोर करवा लेना है। यूज़र नेम एरर में हमें स्टोर करवा लेना है, यहाँ देखिए ना स्पेलिंग गलती है यूज़र नेम की, इसलिए ये यूज़र नेम एरर में हमें प्लीज़ एंटर यूज़र नेम, यूज़र नेम प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स एल्स में हमें यहाँ पे लिखना है यूज़र नेम इज़ इक्वल टू क्या लिखना है हमें, यूज़र नेम में स्टोर करवा देना है, एक फंक्शन कॉल करना है यहाँ पे टेस्ट इनपुट पास करवा देना है इस। ठीक है, यहाँ पे अब ये टेस्ट इनपुट फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम इसे सबसे नीचे यहाँ पे हमें यहाँ पे डिफाइन कर लेना है टेस्ट इनपुट फंक्शन, टेस्ट इनपुट टेस्ट इनपुट क्या होगा कि हमने सबसे पहले यहाँ पे डेटा और इस डेटा वेरिएबल में हमने सबसे पहले ट्रिम करना है। ट्रिम फंक्शन हम स्पेसेस को हटाने के लिए करते हैं, तो हम डेटा को बस चेक कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं डेटा को, डेटा में किसी भी तरह की मतलब बैड डेटा, ऐसे मैलिशियस डेटा हमें स्टोर नहीं करवाना है डेटाबेस में, इसलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले।
फिर देन डेटा इज इक्वल टू हटा दिए जाएंगे, जितने भी स्लैसेस अगर हम करते हैं तो ये फंक्शन हमारा उस स्लैसेस को हटा देगा, ठीक है। अगर हम इनपुट में स्लैश डालते हैं तो उसे ये हटा देगा, ये यूजर नेम, ठीक है। और अब देखिए, और हमें करना है HTML स्पेशल कैट्स, और यहाँ पे हमें फिर से इसी वेरिएबल को रिटर्न कर देना है, इस डेटा को रिटर्न। हमारा ये फंक्शन अब बनकर तैयार है ना। अब ये सही वर्क करेगा। अब हमने इस फंक्शन में क्या किया, डेटा को तीन फंक्शन में हमने पास करवाया, ट्रिम फंक्शन, स्ट्रिप क्लासेस फंक्शन और HTML स्पेशल कैट्स। तो इसमें क्या हुआ कि यूजर नेम में से वाइट स्पेसेस हट जाएंगे और यहाँ से स्लैश हट जाएंगे, और HTML के जो स्पेशल कैरेक्टर थे वो अगर हम यूजर इनपुट में डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो HTML के द्वारा खुद ही कन्वर्ट कर दिए जाएंगे दूसरे फॉर्म में, और हमारा जो डेटा का जो इनपुट रहेगा वो मैलिशियस नहीं रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने यूजर नेम की तो यूजर नेम को अगर यूजर नेम सही है नहीं है, पास इनपुट है, तो उसी तरह से जस्ट हमें यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी चेक कर लेना है, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, पासवर्ड, और एल्स में यहाँ पे हमें पासवर्ड में ना यहाँ पे देखिए अभी यूजर नेम एरर ना होके यहाँ पे भी पासवर्ड एरर होगा, और टेस्ट इनपुट यहाँ पे भी हमने पासवर्ड को चेक कर लिया। तो अब ये हमारा इस तरह से काम करता है। अब ये पासवर्ड को भी हमने चेक कर लिया। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि इफ नॉट एम्प्टी, इफ एम्प्टी, क्या है हमारा एम्प्टी, यूजर नेम एरर, ठीक है, यूजर नेम एरर। अगर हमारा यूजर नेम एरर एम्प्टी है एंड एम्प्टी है पासवर्ड एरर भी, पासवर्ड एरर, ये दोनों एम्प्टी है, तभी हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर यूजर नेम एरर एम्प्टी है मतलब कोई एरर नहीं आया, पासवर्ड एरर एम्प्टी है मतलब कोई एरर नहीं आया, तभी हमने एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को क्रिएट कर लेना है, और यहाँ लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, ओके, और डब्ल्यू एच या वेयर ईमेल, हमने वहाँ पर पहला पास करवाया हुआ है तो नेम और एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेरी रन करवा लिया। देखिए ये जो एसक्यूएल कब होगा, ये कब काम करेगा, जब हमने इस कॉन्फिग फाइल में डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम डेटाबेस का कनेक्शन क्या लिखेंगे, हमने लिंक, लिंक नाम का एक वेरिएबल लिंक, और इसमें हमने एसक्यूएल आई है, और इसके अंदर हमें चार पैरामीटर चाहिए, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, और दूसरा जो है ये हमारा यूजर रहेगा रूट, और तीसरा जो है पासवर्ड जो नल रहेगा, और चौथा जो है हमारा है डेमो, इंसर्ट डेमो डेटाबेस का नाम, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस का नाम है, ठीक है, डेटाबेस का नाम। हम दूसरा डेटाबेस यहाँ पे यूज करना है, बुक स्टोर, हमारा बुक स्टोर का डेटाबेस, ठीक है, ये है हमारा बुक स्टोर का डेटाबेस। तो जैसे हमने यहाँ पे लिंक क्रिएट कर लिया डेटाबेस से, अब आगे जाते हैं इस लॉगिन में, और यहाँ पे हमने एसक्यूएल कर लिया है, यहाँ पे हमने रिजल्ट, सो रिजल्ट वेरिएबल में हमने स्टोर कर लेना है, क्वेरी, और क्या पास करवाना है, पहला तो हमें लिंक पास करवाना है, और दूसरा जो हमें पास करवाना है वो है एसक्यूएल, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ MySQL आई नम रोज, MySQL आई नम रोज ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स कि अगर डेटा फेच हुआ है मतलब कि यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड है, कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया था कि ईमेल ये होना चाहिए और पासवर्ड ये होना चाहिए, तो वैलिड है, देन हमें एक सेशन वेरिएबल क्रिएट करना है, और यहाँ पे हमने ए लॉग्ड इन LOGGIN लॉग्ड इन में हमें स्टोर करवा लेना है ट्रू, क्या करवा लेना है स्टोर,
और यहाँ पे फिर से हेडर सेक्शन है चाहिए। हेडर में हमने यूजर को रिडायरेक्ट करवा देना है प्रोफाइल डॉट पी एच पी पर, ठीक है, प्रोफाइल डॉट पी एच पी नाम की फाइल पे। तो अब देखिए यहाँ पे ना इस एडमिन में हमने एक फाइल क्रिएट करना है, सॉरी एक नया फाइल क्रिएट करना है, इसका नाम देना प्रोफाइल डॉट पी एच पी। अब ये हमारा प्रोफाइल डॉट पी एच पी तैयार है, तो यहाँ पे भी देना हमें रिक्वायर वंस में हेडर को कॉल कर लेना है। सो अब ये हमारा प्रोफाइल भी बन गया है और हमारा ये जो लॉगिन पेज का भी कोडिंग हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने एल्स जो पार्ट है इसमें एरर वेरिएबल में स्टोर करवा देना है इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब हम देखिए इसके यूज कहाँ करेंगे। यहाँ जो हमने स्पैन बनाया था ना यहाँ पे है यूजर नेम एरर, ठीक है, और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे भी पी शुरू करना है और यहाँ करवा देना है पासवर्ड एरर। और यहाँ पे सबसे ऊपर में हमने एच टू के नीचे जस्ट यहाँ पे कहाँ है हमारा एडमिन लॉगिन पैनल और इसकी क्लास देनी है टेक्स्ट डेंजर। टेक्स्ट डेंजर ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या शो करवाना है, यहाँ पे अभी हमें करवा देना है एरर, ठीक है, एरर वेरिएबल को क्या होगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, हमारा ये बनके तैयार है, काम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमने इसे रिफ्रेश किया कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑनलाइन 40 इन द लॉगिन डॉट पी एच पी पे, तो चलते हैं लॉगिन डॉट पी एच पी पे और यहाँ पे लाइन 40 पे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न है बता रहा, और यहाँ पे मैंने इसे क्लोज नहीं किया। अब मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा मान लीजिए मैंने इसे एक किया, देखिए प्रेजेंटर यूजर नेम प्रेजेंटर पासवर्ड, अब मैंने एडमिन डाला और पासवर्ड गलत डाला समथिंग देयर, ये पासवर्ड नहीं है। सो ओके अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर नेम 937 38 39 लेट मी चेक। तो फ्रेंड्स एरर मिल गया है, एरर यहाँ पे मैंने यूजर नेम की कैपिटल थी या यू, बस यहाँ पे हमें छोटा करना है। और अब इसे जाकर रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा काम करता है कि नहीं। देखिए प्रेजेंटर यूजर नेम, अब मैंने एडमिन डाला, गलत डाला कुछ समथिंग, ये लॉगिन इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स एडमिन, यहाँ पासवर्ड है हमारा 1 2 3 4 5, लॉगिन करते हैं। सो एडमिन वैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेट मी चेक। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा ये लॉगिन काम नहीं कर रहा था बिकॉज यहाँ पे एक एरर था। मैं आपको बताता हूँ एरर क्या था कि देखिए यहाँ पे जो मैंने फंक्शन टेस्ट इनपुट नाम का जो बनाया था इसमें हमने यहाँ पे यूजर इस तरह से कुछ इसको पास करवाया था, यहाँ पे ये पास नहीं करवाना है, यहाँ पे हमें भी यहाँ पे लिखना है डेटा, ठीक है। अब हमारा पूरा जो कोड था पहले वो सही काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे गलत है। और अब मैं यहाँ पे एडमिन, चलिए सॉरी ये, और देखिए पासवर्ड में गलत डालता हूँ, ठीक है, देखिए इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब मैं सही पासवर्ड डालूंगा 1 2 3 4 5 लॉगिन, देखिए हमें दूसरे पेज पे प्रोफाइल डॉट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है ड्रॉप डाउन लिंक एक्शन अनदर एक्शन समथिंग एल्स। तो अब हम इस ड्रॉप डाउन लिंक पे काम करते हैं और यहाँ पे हमने इसकी कोडिंग करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे जाते हैं और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारा हेडर सेक्शन है ना यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे एक्शन हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हमने इसमें डीआईवी क्लास डिवाइडर लिंक देगा और यहाँ पर लिख देना है
इसलिए आ रहा है ना कि हमारा सेशन अभी लॉगआउट नहीं हुआ। ये मैं अभी आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा, ये ठीक करते हैं हम इसे। हमारे ड्रॉपडाउन यहाँ पे हमने यहाँ पे लॉग आउट लिखना है, ठीक है। लॉग आउट के बाद हमने यहाँ पे लॉग आउट डॉट पी एच पी, यहाँ पे अब इस एडमिन के अंदर हमने एक न्यू फाइल बनाना है। इस लॉग आउट पी एच पी के अंदर हमने ये वाला और फिर अनसेट सेशन कर देना है, ठीक है। अनसेट डिस्ट्रॉय कर देना है, और लास्ट में हमें लॉगिन डॉट पे, ठीक है। तो अब देखिए ये काम करेगा, ठीक है। देखिए हम इसे रिफ्रेश करते हैं। अभी हमने लॉग इन पे लॉग आउट बटन पे क्लिक नहीं किया था, अभी एक बार मैं एडमिन पैनल में जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 लॉग इन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लॉग इन आ रहा है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। अब सेशन डिस्ट्रॉय है तो यहाँ पे लॉगिन का सेशन लॉगिन शो करेगा, और अगर हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे शो करेगा लॉगआउट का ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पे हमारा लॉगिन में जाते हैं, हेडर सेक्शन में जाते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हमें शो कर रहा है ये ड्रॉप डाउन लिंक, यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन माई अकाउंट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे इसे रिफ्रेस करते हैं। अब हम ना लॉग इन करते हैं एक लास्ट टाइम, 1 2 3 4 5 लॉग इन करते हैं। ये देखिए हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है ना। सो अब ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अब ना हम इसके आगे की कोडिंग हम अगले पेज अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अभी हमने यहाँ पे देखा कि लॉगिन कैसे किया हमने, एडमिन। अब हम इस प्रोफाइल पेज की कोडिंग करेंगे अगले वीडियो में, यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल बनाएंगे हमने, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।